उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप और हत्याकांड में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। इस मामले में आईओ सीमा पाहुजा और सीबीआई के अफसर आज हाथरस जिला कोर्ट में पहुंचे। सीबीआई ने SC/ST कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और इस चार्जशीट का कोर्ट ने संज्ञान भी लिया। सीबीआई ने 22 सितंबर को दिए गए पीड़िता के आखिरी बयान को आधार बनाते हुए चार्जशीट दाखिल की और निर्णय कोर्ट के ऊपर छोड़ा। सीबीआई के 3 अफसर दस्तावेज लेकर अदालत गए थे। सीबीआई ने आज कोर्ट में हाथरस केस से संबंधित मामलों में 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सीबीआई ने 11 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर और भारत सरकार से आगे की अधिसूचना पर केस दर्ज किया। हाथरस में पकड़े गए 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इसे सत्य की जीत बताया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि एक तरफ सरकार संरक्षित अन्याय था तो दूसरी तरफ परिवार की न्याय की आस थी। पीड़िता का शव जबरदस्ती जला दिया गया। पीड़िता को बदनाम करने की कोशिशें हुई, परिवार को धमकाया गया, लेकिन अंततः सत्य की जीत हुई। इसके बाद में प्रियंका गांधी ने लिखा, सत्यमेव जयते। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इस घटना के बाद हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने भी गए थे, जिस पर काफी हंगामा हुआ था। और पीड़ित परिवार से मिलने के बाद उन्होंने 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी पीड़ित परिवार को दी थी। उसे बाद से लगातार कांग्रेस इस मुद्दे पर काफी मुखर थी। और अब जिस तरह से सीबीआई ने इस केस में पकड़े गए 4 आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है, उसके बाद एक बार फिर कांग्रेस को योगी सरकार पर हमला बोलने के लिए मुद्दा मिल गया। गौरतलब है कि हाथरस केस में पकड़े गए 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या, गैंगरेप और SC/ST एक्ट की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई है। इन आरोपियों पर धारा 325 SC/ST एक्ट, 376A और 376D यानी गैंगरेप और धारा 302 यानी मर्डर का केस दर्ज किया गया है। सीबीआई ने पीड़िता के आखिरी बयान को आधार बनाया है और आरोपी रामू, रवि, संदीप और लौकिस के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। गौरतलब है कि हाथरस कांड की पीड़िता 14 सितंबर को अपने गांव के खेत में गंभीर हालत में मिली थी, जिसे बाद में अलीगढ़ के अस्पताल और उसके बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। पीड़िता ने अपने ही गांव के 4 लड़कों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद लोकल पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया था। लड़की की मौत के बाद पूरे देश में प्रदर्शन हुआ। हालांकि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पोस्टमार्टम के आधार पर दावा किया था कि पीड़िता के साथ कोई गैंगरेप नहीं हुआ, जिस पर पुलिस को कोर्ट की फटकार भी लगी थी। बाद में इस मामले में योगी सरकार ने SIT भी बनाई थी, जिसने बाद में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। और इस तमाम विवाद के बाद योगी सरकार ने CBI जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद CBI ने जांच संभाली और कई बार पीड़ित परिवार और आरोपियों से पूछताछ की, साथ ही क्राइम लोकेशन पर भी कई बार विजिट की। आरोपियों का पोलिग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग भी किया जा चुका है, लेकिन अब CBI की चार्जशीट से आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।